एक्टर दलप ताहिल के बेटे ध्रुव को कल एंटी नार्कोटिक सेल ने गिरफ्तार किया। अब दलप ताहिल का इस पर बयान आया है, क्या कहना है उनका, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। तो ध्रुव को कल एंटी नार्कोटिक सेल ने गिरफ्तार किया और आज उन्हें जो है कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। दरअसल 20 अप्रैल को एक ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी हुई थी और जब उसकी चैट और फोन को जांचा गया तब सामने आया कि ध्रुव के साथ उनकी चैट सामने आई। मुजम्मिल ए आर शेख, ये जो है इसको 20 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। जब फोन में उनकी चैट मिली ध्रुव की तो ध्रुव के घर छापा मारा गया और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। INS की खबर के अनुसार जो है ध्रुव के अकाउंट से मुजम्मिल शेख के अकाउंट में कई बार ट्रांजैक्शन की गई है। दलप ताहिल से जब कल पूछा गया कि आपके बेटे को गिरफ्तार किया गया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा फिलहाल जो है मैं इस पर किसी तरह का कोई बयान नहीं देना चाहूंगा। लेकिन DCP दत्ता नालवड़े ने कंफर्म किया है E-Times को और कहा है कि हाँ, हमने ध्रुव को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है और उसको फिलहाल बांद्रा क्राइम ब्रांच में रखा गया है और उसको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। तो एक बात तो तय है कि लगातार जो है जिस तरीके से पूरा ड्रग का रैकेट मुंबई में फैलता जा रहा है उसमें कई लोगों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं जो ध्रुव के मुजम्मिल शेख के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए वो येस बैंक से किए गए और 6 बार पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, यानी कि ध्रुव ने पिछले 1 से 1.25 सालों में लगभग मार्च 2019 से अभी तक 6 बार मुजम्मिल से ड्रग्स खरीदी थी। तो आज जो है ध्रुव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसको लेकर अगर कोई भी अपडेट आता है तो हम फिल्म विंडो पर लेकर जरूर आएंगे।